हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एस ए पी पी एम एंड अदर मॉड्यूल। तो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लाया हूँ एस ए पी एम एम मॉड्यूल का एडवांस लेवल सेशन। और ये है मेरा टॉपिक जिसे मैंने टोटल 8 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं, जो आपको मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसमें मैं एम एम मॉड्यूल पे आपको वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आज का जो सेशन रहेगा दोस्तों, उसमें आपको बताऊंगा कि एम एम मॉड्यूल में ही जो मटेरियल होता है उसका एट्रीब्यूट कैसे डिफाइन करते हैं। मतलब कौन सा मटेरियल होगा, एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, आप सर्च करोगे तो ये मिलेगा, टाइप क्या है, उसके प्रकार क्या है, वो सब आपको मिलेगा। तो अगर आप सोचोगे कि इसका मतलब यही है कि अगर आप नेट में सर्च करोगे तो आपको यही मिलेगा कि आपका जो मटेरियल जो आप एस सी पी में जो अवेलेबल है वो किस टाइप में मतलब यो यूज होता है, ये आप लोग को ना समझ में आएगा उससे। तो सिंपल सा बंदा है दोस्तों, आप अगर नोटिस करोगे तो आप एक चीज नोटिस करना है कि एसीपी में आप बहुत सारे टाइप्स निकाल सकते हो, बट उसको अगर सॉफ्ट तरीके से अगर देखोगे तो आप देखोगे कि आपको मिलेगा कि उसके जो फीचर्स हैं, उसकी विशेषताएं हैं, जो एट्रीब्यूट दूसरे वर्ड में बोल दूँ तो रहेगा कि वो या तो रॉ मटेरियल होगा, वो या स्पेयर होगा, या तो कंज्यूमेबल होगा, या तो इम्पोर्टेड माल होगा, या तो सेमी फिनिश्ड होगा, रिजेक्टेड मटेरियल होगा। ठीक है ना, तो ये कुछ टाइप्स है जो मैंने ऑलरेडी श्री कर्मा टेक्सटाइल जो मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस पर है। और ये जो एस एस सी है, सच केमिकल लिमिटेड है, वो आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना, ये देखो दोस्तों, ये सारी वीडियोज हैं। तो मैं स्टार्ट से चालू करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर जो टी कोड होता है बी, ये मेरा शॉर्टकट होता है जो मैं इसमें बताता हूँ, OMS2 इसका टी कोड है। लॉन्ग अगर इसका पाथ बोलेंगे तो SPRO में जाके IMG में लॉजिस्टिक जनरल में बेसिक सेटिंग मटेरियल टाइप एट्रीब्यूट। ठीक है, तो पहले तो शॉर्टकट दिखाता हूँ ये होता क्या है, कैसे दिखता है OMS2। यहाँ क्या, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, चेंज व्यू मटेरियल टाइप, मतलब क्या बोल रहा है, आपका मटेरियल एट्रीब्यूट बता रहे ना कि आप मटेरियल का एट्रीब्यूट बताओ कि क्या होता है बोल के। और उसमें क्या होता है, इसमें डायलॉग में क्या लिखा है, स्ट्रक्चर क्या लिखा है, पहले मटेरियल टाइप और क्वांटिटी वैल्यू अपडेट। ठीक है ना, ये सारी चीजें इसमें लिखी होती हैं। ठीक है, अब आपको क्या जानना है कि अब आप इसमें कोई भी चीज बनाओगे तो इसमें एसएपी ने क्या बोला है कि देखो, पहले आपको लॉन्ग रूट में बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसमें आता हूँ। पहले शॉर्ट रूट आपने देख लिया, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको जाता हूँ बैक में, यहाँ पे लिखता हूँ SPRO, यहाँ जाऊँगा IMG, यहीं पे क्लिक कर देते हैं, IMG आ गया। उसके बाद आपको क्या जाने दिखा होता है, लॉजिस्टिक, चलो लॉजिस्टिक किधर है, लॉजिस्टिक जनरल ये रहा ना सबसे, यहाँ पर लॉजिस्टिक जनरल में गया। लॉजिस्टिक में जनरल के बाद आपको मटेरियल मास्टर आएगा, मटेरियल मास्टर में गया, कहाँ है मटेरियल मास्टर, ये रहा, ये क्लिक किया। उसके बाद तो वो रहा है, आपको जाना है आपको बेसिक सेटिंग में, चलो बेसिक सेटिंग किधर लिखिए, नंबर पे बेसिक सेटिंग, उसके बाद दिखा रहा है डिफाइन एट्रीब्यूट ऑफ सिस्टम, डिफाइन मटेरियल, डिफाइन आउटपुट फॉर्मेट ऑफ मटेरियल, मेक ग्लोबल सिस्टम, कंपनी कोड। तो आपको किस में जाना है, यहाँ पर आपको जाना है मटेरियल टाइप में, डिफाइन एट्रीब्यूट ऑफ मटेरियल टाइप है ना, तो मटेरियल टाइप किधर है, ये रहा, यहाँ मटेरियल टाइप में डिफाइन एट्रीब्यूट ऑफ मटेरियल टाइप। ठीक है, इसको मैं क्लिक कर दिया, दोस्तों सेम वही स्क्रीन में आया जहाँ पहले में था, यही सेम स्क्रीन आपको दिख रही थी। तो मैंने आपको दो डाउट क्लियर कर दिए, एक शॉर्टकट और एक लॉन्ग रूट। ठीक है, अब बात करते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होता है, कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, अब मैं देखो दोस्तों, यहाँ पर न्यू एंट्री होता है, यहाँ पर न्यू एंट्री होता है, कई बार क्या होता है सिस्टम क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बना दी क्योंकि ये डेवलपमेंट सर्वर है, तो आपको क्या है रेडीमेड इसमें कुछ कुछ चीजें मिल जाती है, बट अगर आप नए हो तो यहाँ पर जाओगे उसको क्लिक करोगे तो आपको क्या है यहाँ पे एक नया स्क्रीन ऑटोमेटिक खुल जाएगा। बट मेरे को क्या स्क्रीन आ रहा है, क्या लिख रहा है, कॉपी एंड एग्जिस्टिंग मटेरियल, ये नीचे में क्या लिख रहा है, कॉपी एंड एग्जिस्टिंग मटेरियल, मतलब ये बोल रहा है कि इतनी सारी डेटाज हैं, वाई यू आर क्रिएटिंग न्यू वन, आप उसी से रिफर कर लो। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो देखो कितनी सारी ऑलरेडी मटेरियल कोड बने हुए हैं सारे, ये टाइप से एट्रीब्यूट से ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पर, है ना ये सारे। तो अपने को क्या करना है, मैं बेसिकली क्या करता हूँ, शॉर्टकट में जाता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ पोजिशन में, ROH जाता हूँ, ये मेरा है। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पर देखो कॉपी का बटन है, ठीक है ना, यहाँ पर कॉपी आइकॉन पर मुझे क्या करना है, क्लिक करना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सेव का कोई बटन कुछ नहीं आएगा, देखो मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ SRW रॉ। ठीक है ना, ये क्या है, रॉ मटेरियल सच SCL है ना, यस रॉ मटेरियल लिख देता हूँ बस अपने हिसाब से, ये हो गया। उसके बाद जनरल डेटा में देखो फील्ड रेफरेंस ROH, डेफिनेटली यहीं से रेफरेंस लिया मैंने, बाद में स्पेसिफिक रेफरेंस है मटेरियल टाइप ही ROH है, ऑथोराइजेशन ग्रुप छोड़ दो,
इंटर प्लांट मटेरियल स्टेटस। तो इंटर प्लांट मटेरियल स्टेटस में मैं जाऊंगा और यहाँ पर आपके ऑप्शन है ब्लॉक फॉर प्रोक्योरमेंट, ब्लॉक फॉर टास्क लिस्ट, इन वर्क फॉर अप्रूवल, रिलीज फॉर प्लानिंग, रिलीज ऑब्सोलीट, ब्लॉक फॉर परचेसिंग, इंजीनियरिंग डिटेल दिए हैं, ब्लॉक फॉर कॉस्टिंग, ऑब्सोलीट मटेरियल, फ्री फॉर पायलट फेज, ब्लॉक फॉर प्रोक्योरमेंट, ब्लॉक फॉर एनवायरमेंट रिस्ट्रिक्शन। मैं यहाँ पर 4-0 में जाना, मतलब मैं क्या कहता हूँ ये मटेरियल कोड में इंटर प्लांट में भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया इंटर प्लांट ग्रुप है, तो आप जाओगे तो अपने क्या है मेक टू ऑर्डर 001 है, उसको सिलेक्ट कर देना, बहुत लंबी लिस्ट रहेगी। और एक्सटर्नल नो असाइनमेंट विथ विदाउट चेक, और इनिशियल स्टेटस अपना कर लेते हैं, ठीक है। स्पेशल मटेरियल टाइप में अपने को ऑप्शन आ रहा है, मटेरियल इज कॉन्फिगरेबल नहीं करना है अपने को, मटेरियल फॉर प्रोसेस नहीं करना है, पाइपलाइन मैंडेटरी मतलब और मैन्युफैक्चरर पार्ट कुछ इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। उसके बाद देखो यूजर डिपार्टमेंट में आ रहा है आपका वर्क शेड्यूलिंग कर दो, अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन, MRP, परचेसिंग, प्रोडक्शन रिसोर्स टूल, कॉस्टिंग, बेसिक डाटा स्टोरेज, ठीक है, सेल्स, क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है ना, वेयरहाउस मैनेजमेंट, बाद में सेल्स, प्लांट स्टॉक, स्टोरेज लोकेशन, स्टॉक, ठीक है ना। ये आपका सब मैंने इसको टिक कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि ये सब चीज़ आप जब एक मटेरियल कोड बनाओगे जब उसमें ये अप्लाई करोगे मटेरियल टाइप कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी निकल आएंगी, ठीक है। फिर इंटरनल और एक्सटर्नल परचेस ऑर्डर, एक्सटर्नल परचेस ऑर्डर में आप देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, तीन ऑप्शन है। पहला तो है नो एक्सटर्नल परचेस ऑर्डर अलाउड, फर्स्ट फिर वन लिखा था एक्सटर्नल परचेस ऑर्डर अलाउड बट वार्निंग इश्यू, सेकंड है एक्सटर्नल परचेस ऑर्डर अलाउड, तो अपने को टू करना है, भैया हमको कुछ भी चीज़ नहीं तो बाहर से लेना पड़ सकता है। इंटरनल परचेस ऑर्डर में भी क्लिक करोगे तो दिख रहा है आपको तीन ऑप्शन आ रहे हैं, पहले नो इंटरनल परचेस ऑर्डर अलाउड, इंटरनल परचेस ऑर्डर अलाउड बट वार्निंग इश्यू, दूसरा इंटरनल परचेस ऑर्डर अलाउड, तो आप अपनी इंटरनल यूनिट से भी परचेस कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इंटरनल मतलब विद इन प्लांट, एक्सटर्नल मतलब आउट ऑफ द प्लांट, वेंडर से किसी से भी लेना, ठीक है। क्लासिफिकेशन छोड़ दो कि ये आएगा तो बन जाएगा क्लास टाइप, क्लास मतलब हर एक इक्विपमेंट का क्लास होता है, ठीक है ना, तो उस टाइप से है तो उसको छोड़ दो। वैल्यूएशन है प्राइस कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल में क्या पड़ा है स्टैंडर्ड प्राइस जो अमाउंट है वही अमाउंट रहेगा, और दूसरा मूविंग एवरेज और प्राइस पीरियोडिक यूनिट रेट प्राइस, मतलब ये क्या है आपका जो प्राइस है वो जब भी ऑर्डर ले, आज कोई मैं लैपटॉप ले रहा हूँ वो 1000 का है, कल के दिन वो क्या होगा 6000 का गया, तो ऑटोमेटिक वो सिस्टम क्या कर देगा 1000 और 6000 को मिक्स करके वो क्या लेगा एक सात का सेवन सात का हाफ मतलब 3.5 के आसपास का वो डाल देगा, मतलब लगभग वो कर देगा, ठीक है। अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस है, तो यहाँ पर जाओगे तो अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस में रेफरेंस फॉर रॉ मटेरियल का क्लिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद प्राइस कंट्रोल मैंडेटरी में क्लिक कर दो, क्वांटिटी और वैल्यू अपडेटिंग में क्वांटिटी अपडेटिंग, ठीक है ना, इनो वैल्यूशन एरिया, वैल्यू अपडेटिंग इनो वैल्यूशन एरिया ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, उसको वही रहने दो मत छोड़ो। डिटेल स्पेसिफिक फील्ड है, जनरल मटेरियल टाइप रहेगा, टाइम टेक रिलेटेड छोड़ दो, डिस्प्ले मटेरियल और प्राइस दोनों कर दो। अब देखो दोस्तों इतना करने के बाद भी यहाँ पर मैं सेव का बटन नहीं आ रहा, इसके लिए सिंपल से आपको इंटर बटन दबाना है, इंटर, या इंटर दबाया उसके बाद फिर वापस एक बार इंटर दबाना है, ये हो गया। ये SRAW रॉ मटेरियल, देखो तो यहाँ पर मैंने आप मेरे यहाँ पे लिख दिया SRAW, ये क्या हो गया मेरा रॉ मटेरियल का एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिया मैंने SAP में। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं बाकी चीज़ों को भी क्रिएट करूंगा जो आप यहाँ पर देख रहे हो, बट आपको मैंने बता दिया, हिंट दे दिया कि किस तरीके से मैं ये बनाऊंगा। सो होप सो आपको ये मेरा जो टीचिंग मेथड वो आपको पसंद आ रहा होगा। बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल ट्रेनिंग के लिए भी अप्रोच कर रहे हैं, और डेफिनेटली आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ ट्रेनिंग सेशन, पर्सनल ट्रेनिंग सेशन आफ्टरवर्ड। उनको शेयर करो जिनको MM मॉडल में आगे बढ़ना है, जिनको PM मॉडल बनने में अच्छा करना है उनके लिए PM मॉडल का वीडियो भी ऑलरेडी अवेलेबल है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जैसे मैं एट द एंड कहता हूँ बी सक्षम इन SAP PM एंड अदर मॉडल। थैंक यू।